गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अफेक्टिव जो है वो डैंड्रफ के लिए मास्क लेकर आई हूँ, हेयर मास्क, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला एक हफ्ता आपने इसको इस्तेमाल करना है और आपके डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों के शुरू में सभी को डैंड्रफ का मसला होता है, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों के कम होती है। और ये आज की जो रेमेडी है ये इन तीन अज्जा से बनेगी। ये तीनों अज्जा हर घर में इजीली अवेलेबल हैं, कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका। आप इसको हफ्ते में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने सादिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की होम रेमेडीज़ आप लोगों को मिलती रहें। जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले आपने लेनी है योगर्ट, दही। दही हर घर में अवेलेबल है, अगर आपके घर नहीं है तो आप दुकान से भी ला सकते हैं। अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी जो है वो रख लीजिएगा। उसके बाद आपने लेनी है ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर। और तीसरी चीज़ जो है वो है इसमें ऑयल, सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ऑयल जो है मैं यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। चलें जी हम अपना हेयर मास्क बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे, एक बाउल ले लें, उसके अंदर हम दही डालेंगे। क्वांटिटी आप अपनी जो है वो मिकदार बालों के हिसाब से कर लीजिएगा, मैंने अपने बालों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 चम्मच शक्कर के, और ये शक्कर मैंने ऐड कर दी है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। शक्कर आप बेहतर तो ये है कि छानी हुई शक्कर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर छानी हुई ना भी हो तो फिर भी चल जाएगा क्योंकि दही के अंदर ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तीसरी चीज़ जो हमें लेनी है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है बहुत ही अच्छा होता है, अगर इसके अलावा आप कोई और आमंड ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन जो है वो सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ तो इसलिए मैंने सरसों का तेल रखा है। अब आपने इसको थोड़ी देर रख देना है, तकरीबन 2 से 4 मिनट। उसके बाद इसको आपने अपने बालों में अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला कुछ ही एक ही हफ्ते के इस्तेमाल से, एक दिन छोड़कर आप एक दिन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने बालों के जो अंदर मास है, जड़ें हैं, वहाँ आपने इसको अप्लाई करना है तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है बालों के अंदर जो भी डैंड्रफ होगी वो इंशाल्लाह ठीक होगी, और इससे बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसको इस्तेमाल कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की रेमेडी कैसी लगी। मिलते हैं किसी और नई अच्छी रेमेडी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।